खबर शामिल करते हैं सांगढ़ से, जहां इलेक्शन कमिश्नर की हिदायत पर पूरे सिंध भर की तरह सांगढ़ में भी बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। हल्का बंदियों पर एतराजात का सिलसिला जारी है, इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा इशफाक सुलेरी से। जी इशफाक, क्या सूरत हाल है? इलेक्शन कमीशन के हिदायत पर पूरे सिंध की तरह सांगढ़ में भी बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर हल्का बंदियाँ मुकम्मल होने के बाद एतराजात का सिलसिला शुरू हो गया, जिसकी आखिरी तारीख यहाँ पर 21 मार्च रखी गई है, जबकि 24 मार्च को जो है उसके फाइनल जो करने के बाद इलेक्शन कमीशन को पेश कर दी जाएगी, जिसके बाद बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाएगा। सांगढ़ की तकरीबन 21 लाख आबादी के लिए 4 म्यूनसिपल कमेटियाँ, 11 टाउन कमेटियाँ और 73 यूनियन काउंसिल बनाई गई हैं। बल्दियाती इलेक्शन को अगर देखा जाए तो यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी संजोरों के अंदर जो है आखिरी टाइम तक यहाँ पर चेयरमैन जो है वो नाम नामजद ना हो सका, क्योंकि वहाँ पर एतराजा थे। जबकि सांगढ़ में फंक्शन मुस्लिम लीग के पास इसकी तो म्यूनसिपल कमेटी रही, बाकी जो म्यूनसिपल कमेटियाँ थी वो वहाँ पीपल्स पार्टी के पास रही। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो पीपल्स पार्टी के पास रहा। टाउन कमेटी म्यूनसिपल कमेटी जो खिपरों को बनाया गया था उसको इस वक्त ख़त्म करने के बाद दोबारा उसको टाउन कमेटी का दर्जा दे दिया गया है। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो सबका रवैया को मुताबिक रखते हुए इस बात भी कहा जाता है कि यहाँ पर फंक्शन लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान तमाम सख्त मुकाबला होगा, लेकिन दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन जो है अपनी तमाम तैयारियों के साथ यहाँ पर तैयार है। उनका कहना है कि किसी भी टाइम इलेक्शन कमीशन जो तैयारी जो ऐलान करेगा उसके मुताबिक यहाँ पर इलेक्शन कराने के लिए वो हम वक्त तैयार हैं। Thank you.